आज के इस वीडियो की मदद से हम लोग जानेंगे यदि आप भी एक न्यू सिम खरीद चुके हैं वी आई का। आज मैं स्पेशली वी आई का सिम बताने वाला हूं। उसे आप शुरू करना चाहते हैं, उसका सेवा लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से इस सिम को आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कॉल के ऊपर क्लिक कीजिए और ये जो कॉल का ऑप्शन है यहाँ देखिए एक नंबर दिखाई दे रही है 590 और 59। अब ये नंबर मुझे कहाँ से मिला, तो ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला कॉल 590 59 टोल फ्री एक्टिवेट द सिम। यहाँ पर देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉल 590 59, तो मैं इसमें ये नंबर को डायल कर लेता हूँ। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर जो है कॉल लगा दिया है। नमस्कार जी, में आपका स्वागत है। हिंदी में जानकारी के लिए एक दबा लेनी है। डीओटी के आदेश अनुसार आपके नंबर पर सर्विस शुरू करने से पहले वेरिफिकेशन अनिवार्य है। कृपया सबमिट किए गए एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट के अंत के 4 डिजिट्स एंटर करें। उदाहरण के लिए यदि आपने एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट जिसका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबमिट किया है तो कृपया एंटर करें 5 6 7 8। यानी कि टोटल मिलाकर के दोस्तों आपका जो आधार कार्ड होता है उसमें जो लास्ट का 4 अंक है वो आपको टाइप कर देनी है। लास्ट का जो 4 अंक है आपके आधार कार्ड का आपको वो टाइप यहाँ पर कर देनी है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 4 डिजिट्स एंटर करें। उदाहरण के लिए यदि आपने एड्रेस कृपया अपने जन्म साल को YYYY फॉर्मेट यानी साल के क्रम में दर्ज करें। उदाहरण के तौर पे अगर आपका जन्म साल 1980 है तो कृपया 1980 दर्ज करें। तो दोस्तों आपको क्या करनी है, आपका जो जन्म ईयर होता है, जो भी साल होता है, जैसे कि 2005, 2010, 1998, ये सब जो होता है आपको यहाँ पर आप टाइप करनी है। तो चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से टाइप करनी है। YYYY फॉर्मेट 2002 मैंने टाइप किया। व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब जैसी सेवाओं का बिना रुकावट उपयोग करने के लिए आपको मोबाइल इंटरनेट सर्विस एक्टिवेट करनी होगी। एक्टिवेट करने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। 1 दबाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है मैं मोबाइल का यहाँ पर नेट ऑन कर रहा था। देखिए अभी नेटवर्क दिखाई दे रही है, अभी मैं नेट ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए नेट ऑन है लेकिन अभी भी नेट का कोई सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके थोड़े देर बाद फ्रेंड्स आपको क्या करनी है, आधे 1 घंटे के बाद जो है आपको मोबाइल को जो है ऑन ऑफ कर देनी है और इसके बाद जो है आपका सिम जो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। देखिए जैसा कि हमारा सिम रेडी हो चुका है, मैंने जो इसे छोड़ दिया था कम से कम जो है 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया था वो वेरिफिकेशन करने के बाद, और इसके बाद यहाँ मैंने इसे जो है ऑन ऑफ किया। तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा और यदि आपका 1-2 घंटे में चालू नहीं होती है सिम तो जरूर से आपका जो कुछ समय बाद सिम अवश्य चालू हो जाएगा। बस आपको फोन को क्या करनी है, इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पर कीजिएगा और यहाँ रीस्टार्ट का जो ऑप्शन देखने को मिल रही है इसके ऊपर बीच वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ फोन आपका वापस से स्विच ऑफ से स्विच ऑन हो जाएगी और इसके बाद जो है आपका सिम भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब हमारा सिम जो है शुरू हो गया है। आपका सिम 1 से 2 घंटे के अंदर शुरू कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर कॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ और एक नंबर को मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ। उस दिन मैं किसी रीजन की वजह से वीडियो नहीं बना पाया तो मैं 4-5 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। आपका सिम 1 से 2 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी सिम को शुरू करवा सकते हैं।